नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद अकेडमी के ऑनलाइन परिवार में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ऐसे में स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और पूरी शिद्दत के साथ अपनी जर्नी कर पा रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस के असिस्टेंट ऑपरेटर कर्मचारा कर्मचारी वाले अभ्यर्थियों की, जिसके लिए विरोध मुहिम चला रहा हूँ और उसके लिए प्रत्यावेदन करने की तारीख जो मैंने रखी हुई है वो 27 मई मैंने रखी हुई, डिसाइड किया हुआ है। 27 मई से हम लोग प्रत्यावेदन शुरू करेंगे। 27, 28 और 29 तीन दिन हम लोगों का प्रयास होगा कम से कम 3000 रजिस्ट्री भर्ती बोर्ड को भेजी जाए। भर्ती बोर्ड, मुख्यमंत्री आवास और मुख्य सचिव, तीन लोगों के पास तीन हज़ार रजिस्ट्रियाँ भेजी जाएँ। ये सब आप लोगों के सहयोग से ही संभव है। तो आप सब लोग, इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यकीन मान के चलिए अगर आप सब लोग जुड़ गए तो इसके अलावा इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस पोस्ट में आपको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको मेरे साथ रहना है और रिजल्ट को लेकर भी आज मैं बात करने वाला हूँ, जो आप लोगों की शिकायत है, तो उसके लिए मैं आपको नोट कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। इस बात मैंने बता दिया, आप लोगों को जुड़ जाना है, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ सकें, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने आपको मेट्रो समझा दिया था कल, मैं मोटा मोटा फिर से बता दूं, अगर आप लोगों के साथ नहीं हुए तो इसमें कम से कम 500 पद खाली रह जाएंगे और जो अगली वैकेंसी में जोड़ दिए जाएंगे। फिर आपको इस बात का पछतावा होगा कि एक नंबर या दो नंबर से आप बाहर हो जाएंगे, तब आपको उस बात का एहसास होगा कि कितना कट ऑफ क्यों हुआ और आपका हो सकता था, आपकी लापरवाही की वजह से आपकी नौकरी चली गई आपकी। ठीक है, तो हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। मेरा उद्देश्य है असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप की एक भी पोस्ट खाली नहीं जानी चाहिए। जिनका भी सिलेक्शन है वो आप लोगों ने मेहनत की है उसके लिए और आप लोग उसके लिए एलिजिबल है, तो आपका सिलेक्शन इसी से होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए सिलेक्शन। आप लोग लायक है इसके लिए, आप लीगल तौर पर आप इसके बारे से, तो आपको सीटें मिलनी चाहिए। ठीक है, मेरे दोस्त में बात करता हूँ उसी के लिए है। हम लोगों ने प्रत्यावेदन मेरा लगभग तैयार हो गया है और चाहता तो मैं कल परसों से करा देता, लेकिन रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा लोग आप एक्टिव नहीं हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप सब लोग पहले जुड़ जाएँ, उसके बाद मुहिम करने में मज़ा आएगा। और रिजल्ट को लेकर जो आपके मन में सारी दुविधाएँ चल रही हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के लिए आप बात नहीं कर रहे हो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात कि 10 जून तक अगर रिजल्ट नहीं आता है तो 15 जून को के बाद पहले सोमवार 15 जून के बाद जब भी पहला सोमवार पड़ेगा हम लोग उस दिन भर्ती बोर्ड चलेंगे। मैं इसके लिए मुहिम छेड़ दूंगा। 10 तारीख को मैं इस बात का आह्वान करूंगा कि हम लोग 15 के बाद कब चलेंगे और उसके लिए एक प्रॉपर मुहिम छोड़ दूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने जब भी मुहिम छोड़ी है मैं गया हूँ और मैं जाऊँगा, आपको भी साफ लेके जाऊँगा। यकीन दिलाता हूँ कि पोस्ट जो है आपकी जो है खाली नहीं जानी चाहिए, आप लोगों का ही सिलेक्शन होना चाहिए इस पे। और रिजल्ट के लिए तो मैंने आपको बता दिया है कि 15 जून के बाद जो भी पहला सोमवार पड़ेगा, अगर रिजल्ट तक नहीं आया तो मैं भर्ती बोर्ड चलूँगा आपके साथ और मैं बात करूँगा। ट्विटर कैंपेन और हवाबाजी करने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे मैं सीधा चलूँगा भर्ती बोर्ड फिजिकल तौर पर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। हम लोगों की जो मांग है भर्ती बोर्ड को, इस बात का भी उनके मामले में संज्ञान ही नहीं लिया उन लोगों ने। जब हम लोग इस पर ट्विटर कर लिया अपने कोई ऐसा हुआ नहीं, उस पर ट्वीट भी नहीं हुए। जब नोटिस जाएगा उनके पास प्रॉपर वे में, जब वो उसको रीड करेंगे तब वो उस पर कमेटी बनेगी और वो निर्णय लेगी, इसके लिए बीच का रास्ता निकालेगी कि 6 गुना बच्चे निकाले जाएं और एक ऑफिशियल नोटिस निकाला जाए इस बात का, हमें वो दिया जाए कि एक एक सीट इसी भर्ती से पूरी की जाएगी
इसके लिए कोई भी वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम नहीं अपनाया जाएगा, जो कि पूर्व में होता आया है। ये तब ही संभव है जब आप सब लोग साथ रहेंगे। इसके लिए 100-200 रिश्ते जाने से वहाँ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, कम से कम 3000 रिश्ते जाएंगी तभी कुछ असर होगा इसका। उसके लिए आप सबकी जिम्मेदारी है वास्तव में, अगर आप इसके लिए काम करना चाहते हैं। और मैं उन यूट्यूबर्स से भी बात करूँगा जो लोग आप करिए, सबसे आप ये बात पहुंचाइए उन लोगों तक जो आपके जानने वाले जिनको आप फॉलो करते हैं कि सर इसके लिए एक मुहिम चल रही है, इस तरीके से आप उसके लड़कों को जागरूक करिए। और जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सब लोग उससे जुड़िए। जहाँ जहाँ आप जिन जिन टीचर्स को फॉलो करते हैं आप उन सब तक कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, इस पर वीडियो बनाने के लिए मजबूर करिए उन्हें। इसमें कोई डिप्लोमा बीटेक नहीं है, इससे उनकी जो है कोई उनसे नाराज़ नहीं होगा, सब लोग खुश होंगे, आपके हित की बात है। आपको सबसे इस पर वीडियो बनवाना चाहिए और जो जो वीडियो बनाएगा वो रियल में आपका एक ऐसी है, कोई यहाँ पे बहाना बना रहा है तो आप समझ जाना कि वो सिर्फ और सिर्फ हवा में बातें कर रहा है। ये बात उनको पहुँचाइए, इस बात को समझाइए आप उनको कि किस प्रकार ये वैकेंसी है और कैसे बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। जब उनको समझ में आएंगी तो वो अपने आप आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मैंने आपको समझाया था, ना समझ में आया हो तो आप पिछला वाला वीडियो, इससे पहले का वीडियो देख लें, उसमें सारी बातें बताएंगे कैसे मैं कह रहा हूँ कि 500 पद इसमें खाली रह जाएंगे, 400 से अधिक पद इसमें खाली रह जाएंगे। उसका रीज़न यही है कि असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर दोनों के लिए लगभग 40% बच्चे कॉमन है जिन्होंने दोनों का फॉर्म भरा हुआ है। और जब दोनों का फॉर्म भरा हुआ है जिनमें ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा है जिनके दोनों में अच्छे नंबर हैं, जब दोनों में अच्छे नंबर हैं डिप्लोमा वाला बच्चा हेड ऑपरेटर चुनेगा ना कि असिस्टेंट ऑपरेटर। और हेड ऑपरेटर चुनने के बाद असिस्टेंट वाली पोस्ट खाली रह जाएगी। उसके लिए सरकार का क्या प्लान है, आपके भविष्य की बात है, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए पहले से आधिकारिक नोटिस आना चाहिए, बाद में फिर कुछ नहीं होगा, जब समय बीत जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए अभी से जुड़िए, मेहनत करिए इस बात पर, तभी चीज़ें संभव है। विरोध करना आपका हक है और इस पर जो है आप अपना हक लेकर रहिए, वरना जो है बाद में सिर्फ पछतावा होगा आपको कि थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो आपको एक जॉब मिल गई, एक बेहतरीन जॉब मिल गई होती। मेरा उद्देश्य है और मेरा भी वीडियो बनाने के पीछे कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मेरा फॉर्म नहीं पड़ा असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप लोगों के लगातार मैसेज आ रहे थे, फोन आ रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि नहीं आपकी, और ये जायज़ है आपकी मांग, ऐसा नहीं है कि आपके मैसेज और कॉल के दबाव में आके बना रहा हूँ, आपकी ये मांग जायज़ है। जो भी व्यक्ति समझदार है उसको ये बात अगर समझेगा उसको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आप लोगों की मांग ये जायज़ है। क्योंकि इंजीनियरिंग से डिसिप्लिन से जो भी जुड़े हुए छात्र होते हैं सब मैथ से ही इंटर करते हैं, उसमें मैथ से ही इंटर मांगा गया था। तो मोस्टली बच्चे चाहे वो पॉलिटेक्निक वाले हों और चाहे वो बीटेक वाले हों, मैथ से इंटर वालों ने फॉर्म डाला हुआ है। और वो बच्चे जो है जो डिप्लोमा वाले हैं वो हेड ऑपरेटर ज्वाइन करेंगे जिनका दोनों में होगा, वो असिस्टेंट ऑपरेटर ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो पोस्ट आपकी खाली रह जाएंगी। मेरे दोस्त उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से संपर्क कर सकता है। और आप बाकी आप हर एक यूट्यूबर से जिसको आप फॉलो करते हैं उसके पास कम्युनिटी में मैसेज डालिए, लगातार मैसेज करिए ताकि वो आपके समर्थन में वीडियो बनाए। मैंने समय भी दिया हुआ है इसके लिए, मैं जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूँ, 27 मई मैंने डिसाइड की है प्रत्यावेदन के लिए। प्रत्यावेदन आपको मिल जाएगा, एड्रेस आपको मिल जाएंगे, 100 रुपये आपको खर्च करने हैं और 3 रजिस्ट्री आपको भर्ती बोर्ड, मुख्यमंत्री आवास और मुख्य सचिव के पास कर देनी है। और कुछ नहीं करना है आपको इसके लिए, कोई ट्विटर कैंपेन नहीं करना, कोई मुहिम नहीं चलानी, बस एक दिन आपको 10-15 मिनट खराब, आधा घंटा खराब करना होगा और 100 रुपये खर्च करने होंगे। इतना करना चाहिए आपको और आपके हक की बात है। और तब तक आप 6-7 दिन का समय कई सारे यूट्यूबर्स के पास लगातार मैसेज करिए और जो जो आपके पक्ष में आएगा आपको भी नजर आएगा कौन आपका हितैषी है और कौन आपके पक्ष में नहीं होगा। लगातार मैसेज करिए लोगों के पास ताकि उनको मजबूर हो जाए, आपकी बात को समझे और मजबूती से आपका पक्ष उठाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैं आया हूँ साथ, मेरे बार बार वीडियो बनाने का सिर्फ इतना उद्देश्य है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका भी भरपूर विरोध कर रहे हैं, मुझे उनके विरोध से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आप नहीं जागे, आप खुद ही नहीं चाहोगे तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता आपके साथ अन्याय होने से। भर्ती बोर्ड की परंपरा रही है
चाहे 49,000 वाली वैकेंसी हो, चाहे उससे पहले 40,000 वाली वैकेंसी हो, हर बार ऐसा हुआ है कि 4 से 5,000 पद कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए। आप लोगों की तरफ उसके लिए कभी वो नहीं किया गया प्रयास, आगे करना चाहिए। परंपराएं बदलती हैं, चीज़ें बदली जाएंगी। रेलवे हर बार ऐसा करता है, जो वैकेंसी निकाली जाती है साल भर, जब तक कि नया विज्ञापन नहीं आ जाता है तब तक उसी से बेटी निकाल निकाल के बच्चों को क्लियर किया जाता है। इसमें भी ऐसा होना चाहिए। आपने मेहनत की है, आप रनिंग तक गए हैं और फिर आप फाइनल मेरिट से बाहर हो गए और वैकेंसी खाली रह जाती है और आपका सिलेक्शन नहीं होता, होना चाहिए। इस परंपरा की शुरुआत आज नहीं तो कल होनी चाहिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो यहीं से हो जाएगी और हमेशा ही आपकी निहित करोगी। जो पुलिस वाले भाई हैं उनको भी इस बात का ध्यान आएगा, उनको ये 60,000 वैकेंसी है, अगर ये पूरी करी जाएगी तो आपको बता रहा हूँ कम से कम 8,000 पद खाली रह जाएंगे। 7 से 8,000 पद ऐसे होंगे जो फाइनल मेरिट में खाली रह जाएंगे। तो आपके लिए हमेशा के लिए मैं ये मुहिम शुरू करा रहा हूँ। अगर इसका यहाँ शुरुआत हुई तो आगे भी इसका बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस बात की महत्ता को समझिए और जुड़िए इस मुहिम से। आपकी अपनी लड़ाई है, आप अगर नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा आपके साथ? आप यूनिटी नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? जुड़िए, अपने साथियों को जोड़िए। मैंने बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं रखा आपको, 2,00,000 में से सिर्फ 2,000 लोगों को ढूंढना है, 3,000 लोगों को ढूंढना है। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कराइए, 27 तारीख को मैं प्रत्यावेदन आपको दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को हर टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, इसे स्टेटस पे लगा सकते हैं, स्टेटस पे लगाइए ताकि लोग जुड़ सके, आपकी मुहिम मजबूत हो सके। मेरा प्रयास जो था मैं अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूँ। पहले तो मैं कोई काम शुरू नहीं करता हूँ, मैंने पूरा इसको देखा कायदे में लीगल है, आपका जायज है, आपके पक्ष में, आपके हक में आवाज़ उठाना, तब मैंने इसे वीडियो बनाना शुरू किया। मेरा प्रयास यही रहेगा इसको सफल बनाया जाए। अभी तक मैंने जो भी कार्य लिया है आप लोगों के लिए सारे सफल बनाए हैं, सारे सफल हुए हैं, चाहे वो आयु सीमा में छूट को लेकर हो, चाहे वो री एग्जाम को लेकर हो, चाहे वो विज्ञापन आने की बात को लेकर हो, और इसमें भी मैं चाहता हूँ चाहे वो इस एग्जाम के डेट को लेकर हो। अगर आप सब लोग साथ मिलकर रहेंगे तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ इसमें भी जीत आपकी ही होगी। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपको तय करना है, आपको तय करना है। ये यहाँ से अगर शुरुआत हुई तो हमेशा के लिए शुरुआत हो जाएगी और होना चाहिए। जब रेलवे या में ये व्यवस्था है तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। 5,000 पद जो 60,000 पद स्वीकृत हुए हैं 60,000 भरे जाने चाहिए। 1,200 पद जो स्वीकृत है असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 1,200 के 1,200 इस भर्ती से भरे जाने चाहिए। अगर बच्चे ने मेहनत करी है, रनिंग दी है, उसने फिजिकल दिया हुआ है, मेडिकल में कुछ बच्चे बाहर हुए हैं या असिस्टेंट हेड ऑपरेटर वाले बच्चे जो नहीं ज्वाइन करते हैं उनकी जगह पे उन बच्चों का हक है, उनको ज्वाइन कराया जाना चाहिए और वो कराया जा सकता है यदि आप लोग चाहेंगे तो। उसके लिए आप सब लोग मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी अपडेट आ रही है आपको समय से मिलती रहे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। कम से कम 5 दोस्तों तो अवश्य शेयर करिए, और इसे हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें और आपको जुड़ेंगे। यदि आप अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुँचाने में कामयाब रहे तो आप यकीन मानिए 2,500 लोगों को जोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए, बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा मेरे दोस्त, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। मैं प्रयास करूंगा हेड ऑपरेटर वाले बच्चों से भी इसको कराने के, मैं प्रयास करूंगा उनसे, मैं बोल दूंगा वो लोग आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको 2,000 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, उनको आप लेके आइए। तो मेरे साथ हेड ऑपरेटर वाले 1,000-2,000 बच्चे हैं, उनसे मैं बोल दूंगा वो इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपको तब भी बच्चे जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। अपनी कम्युनिटी बनाइए और अपने एकता की शक्ति, एकता में बल है, इस बात को चेता रखिए। ठीक है मेरे दोस्त, मेरी तरफ से मैं लगातार प्रयास करूंगा इस पे कि आपको जीत मिले और आपका पक्ष मजबूत हो। ठीक है, बस थैंक यू।